सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल। दोस्तों आज की जो फोटो एडिटिंग है ये मकर संक्रांति स्पेशल फोटो एडिटिंग है और दोस्तों ये बहुत ही रियलिस्टिक वाली एडिटिंग है। दोस्तों अगर आप लोग बिगनर भी हैं और पहली बार फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें बहुत ही ईजी स्टेप में आपको फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहां पर सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर पे या फिर आप मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये जो बैकग्राउंड है इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इजीली ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से कुछ पीएनजीज ऐड कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी पीएनजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ और बैकग्राउंड सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक दो लड़कों का एक पीएनजी लिया हुआ है जहाँ पर मैंने इसे बनाया है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इसको इजीली आप सेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसी साइज पर ही बनाया है इसे। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और देखिए यहाँ पर एक काइट्स का पीएनजी है। बहुत सारे काइट्स को मैंने आपस में मर्ज करके एक पीएनजी बना दिया है ताकि आपको एक एक काइट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं इसको डन करता हूँ। अब देखिए इन सारी इमेजेस को हमें ब्लर करना है तो ब्लर करने के लिए क्या करना होगा, आपको इफेक्ट में आना पड़ेगा। इफेक्ट में आने के बाद देखिए ये चार नंबर पर ब्लर मिल जाएगा। पहला जो ब्लर है सिंपल ब्लर, आपको इसे चूज़ करना है। एक बार टैप करेंगे इस ऑप्शन पे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसका अमाउंट रिड्यूस करके 5% पे कर दीजिए। इसके बाद आपको इरेजर में जाना है, इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक रिस्टोर ब्रश है, इस ब्रश को ले लेना है। आपको साइज या सेटिंग जो भी चेंज करनी हो आप कर सकते हैं और इसको पेंट कर लेना है। सिर्फ सिंगल सिंगल जितने भी इमेजेस आपको दिख रही हैं, यहाँ पर पतंग दिख रही हैं और ये जो लड़का है ये दिख रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको ब्लर कर लेना है जो कि हमने रिसेंटली ऐड किया था। बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हमने ब्लर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको डन करेंगे, मर्ज पर क्लिक करेंगे जिससे ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाए और इसके बाद इसको डन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं एक मॉडल ले लेता हूँ। आपको कुछ इस तरह के पोज में एक फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है, ओके। और आपको इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज करने के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको अगर ज़रूरत हो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप देख पाएंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से एक ब्लैक कलर का फ़ोटो ले लेना है। मैं इसका नाम शैडो लिख के दे दूंगा आपको। इसको क्या करना है, पूरे फोटो पर अच्छे से बड़ा कर लेना है, लेयर में जाना है और मूव डाउन करना है जिससे क्या होगा कि ये मॉडल के पीछे चला जाएगा। अब इसके बाद आपको इरेजर में आना है, इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो नॉर्मल हो जाएगा और इसके बाद पेंट ब्रश लेके आपको पेंट कर लेना है, यहाँ पर शैडो बना लेना है। मैंने नॉर्मली यहाँ पर शैडो बनाया है और इसका अमाउंट जो है आपको 70% के पास पास में रखना है। आप 77 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, बट 70% इज डिसेंट, ओके। मतलब 70 से 80% डिसेंट होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो मॉडल है उसे चूज़ कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसके फेस की जो लाइट है और ग्राउंड की लाइट मैच नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, ह्यू में आना है और इसकी कलर को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है जिससे ये पीला हो जाए तो मैच करेगा। सैचुरेशन थोड़ी सी डाउन कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है और हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हाईलाइट घट रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसकी शैडो जो है उसको बढ़ा लेना है जिससे ये थोड़ा सा और अच्छे से दिख पाए, इसका शर्ट का जो क्रीच वगैरह ये सब कुछ अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा लिया है और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की मुझे लगती है थोड़ी सी ज़रूरत है, करीब 2% या 1% भी ऐड करेंगे तो बहुत है, ओके। तो अब देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से हमारा बैकग्राउंड के साथ मैच हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक पीएनजी मिल जाता है काइट का, ये पीएनजी कहीं नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने क्या किया, एक फ़ोटो डाउनलोड किया, फ़ोटो में से इसको कट करके मैंने इसका पीएनजी बनाया है, ओके। अब आपको क्या करना है, जूम कर लेना है हाथों के पास। इसके बाद इरेजर में जाना है और देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो कि ऐसा फ़ोटो क्लिक कराया है कि हाथ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने काइट को पकड़ा हुआ है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को। और ये पहला वाला हाथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे फिंगर की तरफ जाते हैं और इसे भी हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा फील हो रहा है कि सच में मॉडल ने क्या किया है कि ये जो हमारा काइट है उसको पकड़ के रखा है। अब हमें क्या करना है, सारे फोटोज़ को मर्ज कर लेना। मर्ज करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली डन करेंगे तो सारा फोटो आपस में मर्ज हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब इसके बाद क्या करना होगा,
ऐड फोटो में फिर से जाएंगे और देखिए यहाँ से आपको एक टेक्स्ट का पीएनजी मिल जाएगा मकर संक्रांति लिखा हुआ। ये हिंदी में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश में भी मैं दे दूंगा। दोनों की पीएनजी आप जो भी दिल करें वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रास की पीएनजी से, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि धान है, धान या गेहूँ बोल सकते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं उसका फ्लावर होता है जहाँ से ये स्टार्ट होता है और धान या फिर गेहूँ जो भी निकलता है वो रहता है, वो सारी चीज़ों का एक पीएनजी है। और इसको मैं यहाँ पर एक सिंपली इसको ऐड किया, इसके बाद डुप्लीकेट करके थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर भी ऐड कर दिया, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, हमारी जो फोटो एडिटिंग है ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, अब इसको सेव कर लेना है। अब आपको Lightroom एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग कलर करेक्शन करने वाले हैं, यहाँ पर कलर करेक्शन के लिए सबसे पहले आपको लाइट में आना होगा, कर्व पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्हाइट वाला जो कर्व है इसको चूज कर लेना है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट बनाना है, दूसरा और तीसरा पॉइंट बनाना है, जिसमें से जो हमारा दो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, दोनों ऊपर वाले पॉइंट को हमें हल्का हल्का ऊपर रखना है और जो मिड पॉइंट है उसको बिल्कुल ज़रा सा स्लाइटली नीचे रखना है। इसके बाद रेड वाले कर्व पे आएंगे, सबसे पहला वाला जो कर्व होगा पॉइंट होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, दूसरा वाला थोड़ा सा उसके ऊपर होगा और बीच वाले को बीच में ही रखेंगे और ऊपर वाला जो होगा यानी हमारा हाईलाइट वाला थोड़ा सा ऊपर होगा। सेम टू सेम हमें क्या करना है, ग्रीन के लिए भी करना है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपके लिए प्रीसेट बनाकर रेडी रखा हूँ, पिछले बार की तरह नहीं कि मैं भूल जाऊँगा, इस बार मैं रेडी रखा हूँ, आप ज़रूर से डाउनलोड कर लें अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो। अगर आप चाहें तो बाद में मैन्युअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप मैन्युअली ही एडजस्ट करें, क्योंकि क्या होता है इससे आप सीख पाएंगे और दूसरे फोटोज़ पर भी काम कर पाएंगे, बट प्रीसेट भी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पर एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, करीब 0.4 EB, कॉन्ट्रास्ट को 30% हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे और यहाँ हाईलाइट को 15% बढ़ाना है। इसके बाद शेडो को हमें क्या करना है, करीब 20% के पास में लेकर आना है। वाइट्स जो है, वाइट्स को भी यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। एक बार मैं कम करके दिखाता हूँ, करीब आपको -15 के पास कम कर लेना है और हमारा जो ब्लैक से उसको भी आपको कम करके यहाँ पर 30% के पास में ले आना है। ओके, तो आपको यहाँ पर नंबर समझ में आ गया। इसके बाद आपको लाइट में आ जाना है, कलर में आना है। यहाँ पर वाइब्रेंस जो है हमारा इसे 20% रखना है, सैचुरेशन को टच नहीं करना है। इसके बाद आपको टिंट में आना है, टिंट में हमें क्या करना है, करीब -10% के पास में लेकर आना है। ओके, और ये जो हमारा टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे हमें थोड़ा वार्म इफेक्ट मिल जाएगा, तो हमें करीब 4-5% के पास में रखना है। ओके, एक्चुअली ये 5 नहीं हो रहा है, 4 नहीं, रहने देते 4 ही ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलर्स में आ जाना है। यहाँ पर देखिए ये जो सबसे पहला रेड कलर है इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, -20, और कुछ टच नहीं करना है। ऑरेंज कलर पे आते हैं, ऑरेंज में आपको क्या करना है, यहाँ पर घटाना है आपको ऑरेंज कलर को, करीब -20 पे लेकर आएंगे इसको। और यहाँ सैचुरेशन जो है, हमें सैचुरेशन को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, नहीं सैचुरेशन नहीं बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा सा 2% बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को -10 करेंगे। इसके बाद येलो कलर पे आ जाते हैं, येलो कलर पे हमें क्या करना है कि इसका जो ह्यू है इसको बढ़ाकर 30% पे ले आएंगे, सैचुरेशन को भी हम लोग बढ़ा लेंगे यहाँ पर 10% के पास में, और हमारा जो ल्यूमिनस है ल्यूमिनस को भी हम लोग क्या करेंगे 10% बढ़ा लेंगे। मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, हाँ 10% हो गया। इसके बाद यहाँ पर स्काई कलर के पास आ जाते हैं, स्काई कलर में आपको क्या करना है कि इसका भी यू को 30% बढ़ा लेना है, एक्चुअली बढ़ाना नहीं है, घटा लेते हैं क्योंकि बढ़ाने से उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ पर 30% हमारा यू को घटा लेता हूँ और सैचुरेशन को क्या करता हूँ यहाँ पर 10% बढ़ा लेता हूँ और ल्यूमिनस को यहाँ पर घटा लेता हूँ करीब 10%। फाइन, अब हमें ब्लू कलर में आ जाना है। ब्लू कलर में क्या करना है कि आपको यहाँ पर सैचुरेशन को, सॉरी ह्यू को डाउन कर लेना है -16%, सैचुरेशन को 10% रखेंगे और ल्यूमिनस को यहाँ पर 10% रखेंगे। फाइन, अब ये हमारा पर्पल कलर आ जाता है, एक्चुअली पर्पल और यहाँ पर ये क्या नाम है, पिंक कलर है, इसका एक्चुअली काम है नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी कलर है। एक्चुअली हमारी पतंग में ये कलर है, तो मैं क्या करता हूँ इसका ह्यू 92 के पास में ले आता हूँ, 100 ही ठीक है, एक्सक्यूज मी,
और यहाँ पर ल्यूमिनस में ल्यूमिनस 100 कर देता हूँ, और ये तो 91 हुआ, हाँ 100 हो गया। चलिए, क्योंकि इस कलर है नहीं इसी की वजह से मैंने ऐसा किया, बट अगर आपके फ़ोटो में हो तो आप चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं मैनुअल सजेशन देता हूँ। अब यहाँ पर हमें कलर ग्रेडियंट में आना है, मिड टोन पे आ जाएंगे। मिड टोन में आने के बाद ये जो हमारा ह्यू है इसको चेंज करेंगे, करीब वो 190, 190 इनफ है। ओके, यहाँ पर जो हमारा ग्रीन और ब्लू के पास पास का जो कलर है वो 190 के पास में आता है। और इसके बाद आपको सैचुरेशन ले लेना है 15%, ब्लेंडिंग को रहने देते हैं 50%, ठीक है, बस सिंपली यहाँ पर डन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में आ जाना है। इफेक्ट में हमें क्लैरिटी बढ़ा लेनी 20%, डीएस को बढ़ा लेना है 20%, विगनेट टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, शार्पनेस में जानी है। शार्पनेस में हमें शार्पनेस 60% चाहिए, और नॉइस रिडक्शन जो है हमें 20% रखेंगे, और आई थिंक काफ़ी है इतना। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर तो आपने देख ही लिया है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सेलेक्टिव टूल में। यहाँ पर आपको लीनियर ग्रेडियंट ले लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, ग्रेडियंट को ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको कलर में आ जाना है, कलर में जो हमारा यहाँ पर कलर है इसको क्या करना है, ह्यू को माइनस करना है। ओके, माइनस करके आपको 7.2 के पास में लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको लाइट में आ जाना है और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर लेना है। ओके, तो 0.73 EV किया मैंने, और थोड़ा सा हाईलाइट को यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, बढ़ा लेना है करीब 14% या 15% के पास में। फाइन, अब आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये फोटो एडिटिंग पसंद आई होगी, और मैं इसका प्रीसेट ज़रूर दे दूंगा, आप पहले प्रीसेट ट्राई कर लेना, बाद में उसमें मैनुअल चेंजेस कर सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे ईजी होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये फोटो एडिटिंग पसंद आई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करके बताना कि आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट फोटो एडिटिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और दोस्तों चैनल को जरूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।